हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज वाली वीडियो में WCC3 के वर्जन 1.1.6 की अपडेट चैलेंज फ्रंट से वायलेंस और उसके साथ कुछ और भी फीचर्स आने वाले हैं, उसके बारे में बात होने वाली है। क्योंकि गाइस, आज वाली वीडियो WCC3 पर इसलिए है क्योंकि गाइस पिछली वीडियो रियल क्रिकेट 20 पर थी और उसके साथ WCC3 पर भी थी, और वैसे भी रियल क्रिकेट 20 की आपको अपडेट डेट भी कन्फर्म हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा फीचर्स के बारे में पता चल चुका है और बहुत ज़्यादा फीचर्स ऐड होने हैं नेक्स्ट वाली अपडेट में। जैसा कि आपको पता है कि यार न्यू जो अपडेट आनी है उसमें काफ़ी फीचर्स ऐड होने हैं, मतलब कि 8 न्यू टूर्नामेंट्स ऐड होने हैं, उसके साथ गाइज कुछ ग्राफिक्स चेंजिंग आनी है, उसके बाद मैच स्टार्टिंग होनी है, स्कोर कार्ड चेंज होना है, तो बहुत ज्यादा कुछ आने वाला है नेक्स्ट अपडेट में। और वो अपडेट का आपको डेट भी पता है 7 से 15 तारीख के अंदर अंदर आनी है। तो गाइज इसलिए आज वीडियो में हम WCC3 की न्यू अपडेट के वर्जन 1.1.6 के बारे में बात करने वाले हैं, और आपको ये भी बता दूंगा कि वर्जन 1.1.6 आना है या फिर 1.2 आना है, क्योंकि मेरे ख्याल से मेरा एस्टिमेट सही होगा। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्जन 1.1.6 आएगा या फिर वर्जन 1.2 आएगा। मेरे ख्याल से गाइज वर्जन 1.1.6 आएगा, और वो मुझे क्यों ऐसा लगता है वो बात यह है कि गाइज आपको पता है कि WCC2 भी उसका भी जो वर्जन है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, मतलब कि 2 फिर 8 फिर 9, मतलब 2.8.9 वर्जन चल रहा है उसका। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि जो हमारे पास WCC3 होने वाली है इसका भी वर्जन 1.1.6 चलेगा। तो गाइज इसे लगता है 1.1.6 आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन से फीचर्स ऐड हो सकते हैं, तो गाइज हाईलाइट सेव का फीचर सबसे ज़्यादा आगे है, जिसका सबसे ज़्यादा होप है, जिसकी सबसे ज़्यादा हमें उम्मीद है कि वो वाला फीचर ऐड किया जाएगा, वो तो ज़रूर ऐड किया जाएगा हाईलाइट सेफ वाला फीचर। उसके बाद अगर हमें बात करें कि कौन सा फीचर ऐड हो सकता है, उसके बाद भी गाइज एक और फीचर है जो कि हम कह सकते हैं कि ऐड हो सकता है, वो वाला फीचर हमारे पास चैलेंज ऑफ फ्रेंड का फीचर है। सो गाइज जो चैलेंज ऑफ फ्रेंड का फीचर है हमारे पास, वो काफ़ी बढ़िया फीचर है, क्योंकि गाइज सारे मल्टीप्लेयर फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं, रेवल्स वगैरह, ऑनलाइन रेवल्स वगैरह, मल्टीप्लेयर्स के सारे फीचर ऐड कर दिए गए हैं, लेकिन गाइज हमारे पास यहाँ जो चैलेंज ऑफ फ्रेंड है इसको ऐड नहीं किया गया है। तो गाइज इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि चैलेंज ऑफ फ्रेंड को ऐड कर दिया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा गाइज डिमांडिंग फीचर चल रहा है। उसके साथ आपको एक और ये बात बता दूं कि जो हमारे WCC3 है ये यूज़र्स चॉइस अवार्ड जीत चुकी है 2020 का, तो गाइज हो सकता है कि वो यूज़र्स की चॉइस पर कुछ ना कुछ तो हमें दे सकते हैं, क्योंकि गाइज यूज़र ने इनको चूज़ किया, तो इनको चाहिए ये भी यूज़र्स के फीचर्स को चूज़ करके ऐड करें, तो काफ़ी बढ़िया लगेगी गेम। उसके साथ गाइज इसलिए मुझे लगता है कि यार ये 2020 का अवार्ड इनको जिताया है, तो इसलिए नेक्स्ट अपडेट काफ़ी अच्छी देने वाले हैं। और आपको पता है कि इसी गेम पर बस टाइटलेस मोबाइल की अटेंशन है और किसी गेम पे नहीं है, जैसे कि WCC2 पे भी नहीं है, WCC पर भी नहीं है, WCC लाइट पर भी नहीं है। तो गाइज इसीलिए हमें पता है कि WCC3 की न्यू अपडेट आने वाली है। और जो लोग कहते हैं कि रोजाना WCC3 की वीडियो भी बनाते हो, तो यार जब कोई दूसरी वीडियो बनाओ आप देखते भी नहीं, और दूसरी बात यह है कि यार WCC3 इस टाइम सबसे बड़ी गेम है क्रिकेट की, जो कि मेरे ख्याल से एंड्रॉयड में नंबर 1 गेम यही चल रही है। तो गाइज इसलिए मुझे लगता है कि यार WCC3 पर वीडियो बनानी चाहिए, और इसकी न्यू अपडेट भी जल्दी आने वाली है, December 15 से लेकर 30 दिसंबर तक ज़रूर अपडेट आ जाएगी। तो गाइज आज वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी और न्यू टॉपिक के साथ। तो गुड बाय।